फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी टिक्की, फिर से आ गई आपसे मिलने। इतने दिनों बाद वीडियो बना के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नए से शुरुआत कर रही हूँ। बट जो भी हो, मुझे आप लोगों से मिलने की बहुत खुशी है। आमने सामने आप लोगों से जो बात कर रही हूँ, उसका खुशी अलग ही है। क्या है ना, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, हम लोगों को जैसा लगता है कि बच्चा अभी थोड़ा छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम लोगों को वक्त मिल जाएगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। जितने बड़े होते हैं उतना ही माँ लोग और एंगेज होते जाते हैं उन लोगों के साथ। तो चलिए, ये घर घर की कहानी है, कोई नई बात नहीं है। अभी छुटकू सोया हुआ है, उठ जाएगा तो मेरे वीडियो का दी एंड कर देगा। उससे पहले मैं फटाफट वीडियो ख़त्म कर लेती हूँ जो चीज़ें। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है मेरा ड्रेस मटेरियल जिसे मैं स्टिच करके पहनी हूँ। टॉप और जो चुन्नी है वो तो सेट में था, लेकिन जो मैं बॉटम पहनी हुई हूँ, जो इसका पैजामा वाला हिस्सा था, उसे मैं स्टिच नहीं करवाई। इसके जगह पे मैं लेगिंग्स पहनी हुई हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो हम सेट में कुछ ऐसे कपड़ा आता है, पायजामा का कपड़ा, जिससे हम स्टिच करवाना सही नहीं समझते हैं। देखिए, कुछ इस तरह का साटिन या सिल्क टाइप का कपड़ा, जिसे हम स्टिच करवाने से वो कंफर्टेबल फील भी नहीं होता है हमको। हाँ, ज़्यादा कपड़ा होता तो मैं इसका पटियाला ज़रूर सिलवाती, लेकिन मुझे चूड़ीदार सिलवाना था। इन सब कपड़ों में मतलब पटियाला वगैरह अच्छा लगता है साइनी वाला में। चूड़ीदार में क्या होता है ना, ये स्टिचिंग सही से नहीं रहता है और फट जाता है, तो यही दिक्कत है इसका। तो उसके बदले में मैंने ये क्या किया, देखिए, श्रग बोल सकते हैं या जैकेट बोल सकते हैं, कुछ इस तरह से स्टिच करवा दिया। इस तरह से आपका कपड़ा वेस्ट भी नहीं गया और दो तरह के ड्रेस भी बन गए एक ही सेट में। एक बिना चुन्नी के साथ पहन सकते हैं और एक चुन्नी के साथ। हाँ, इस रैक के साथ भी, आप इस जैकेट के साथ भी, ऐसा इतना लॉन्ग पैटर्न का नहीं है, इतना घेरा वाला नहीं, इसके साथ भी आप चुन्नी कैरी कर सकते हो हैवी लुक क्रिएट करने के लिए। कुछ ज्वेलरी वगैरह एक्सेसरीज ले लो तो बहुत हैवी लुक क्रिएट भी हो सकता है इसके साथ भी। अभी इस रग के डिज़ाइन के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इसका लेंथ मैंने वही टॉप के बराबर ही रखा है। देखिए, सामने ऐसा ओपन है, डोरी सामने बंधा हुआ है और साइड में भी वही कट रखा है, आपको अभी दिखाऊंगी, देखिए। और एक पतला सा लेस के हेल्प से पूरा डिज़ाइन इस तरह का रखी हूँ। चारों तरफ इस तरह से लेस से भरा हुआ है, ज़्यादा हैवी नहीं लग रहा है, साइनी कपड़ा है तो पतला सा लेस यूज़ की हूँ मैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन कलर की लेस यूज़ की हूँ और नेक लाइन कुछ इस तरह से रखी हूँ। देखिए, टॉप का जो डिज़ाइन है वो ना छुपे इस तरह से नीचे थोड़ा कट की हूँ और स्लीवलेस। आशा है आपको पसंद आया होगा ये डिज़ाइन। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और मैं आपसे यूँ ही मिलती रहूँ। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं। बाय, टेक केयर, लव यू।